हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं दिल्ली के इंडिया गेट प्रांगण में आयोजित हुनर हाट मेले का आज आखिरी दिन है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से आयोजित मेले का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में छुपे हुए हुनर और कला को बढ़ावा देना है। इससे पहले 19 बार इस मेले का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन 20वां मेला दिल्ली में आयोजित किया गया। 20वां हुनर हाट मेला इस बात को लेकर भी चर्चा में है कि मेले में पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां बिहार के व्यंजन लिट्टी चोखे का लुफ्त उठाया, जिसके बाद मेले में लिट्टी चोखा खाने वालों की संख्या बढ़ गई है। 20वें हुनर हाट मेले में पहुंचे हमारे संवाददाता मुकेश मंडल ने भी आम लोगों से बातचीत की और मेले के बारे में प्रतिक्रिया ली। इंडिया गेट के प्रांगण में हुनर हाट मेले का आयोजन लग चुका है और ये मेला अंतिम चरण में है, क्योंकि हम बात करें तो 13 फरवरी से लेकर इस मेले को 23 फरवरी तक लगाया गया है यहाँ पे। और बात करें तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया है और इस मेले में करीब 240 के करीब स्टॉल लगाए गए हैं। हालांकि बात करें हम क्राफ्ट की, बात करें हैंडलूम की, बात करें हम या फिर यहाँ पे स्वादिष्ट भोजन की बात करें तो तमाम तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नज़ारा, ये तमाम स्टॉल है अलग अलग, बात करें अलग अलग राज्यों के, बिहार की बात करें हम, उत्तर प्रदेश की बात करें हम, दिल्ली की बात करें हम, और तमाम जो स्टेट हैं वहाँ के यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं इस मेले में। और ख़ास बात इस मेले का ये है कि जो गाँवों में छुपे हैं हुनर जो है वो यहाँ पे कला का प्रदर्शन दिखा सकते हैं। और हैंडलूम की बात करें, खासतौर पर हस्तशिल्प की बात करें, तो यहाँ पे इस मेले में आपको तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे नजर आ सकती है। आपको दिखाना चाहूंगा, आप सामने देख सकते हैं जो सामने का नजारा है ये लगातार, हालांकि बात की जाए तो ये जो हुनर हाट मेले का आयोजन की बात करें तो अलग अलग राज्यों में करीब ये 19 बार लग चुका है और अब यानी 20वीं बार यहाँ पे आयोजन किया गया है इंडिया गेट के प्रांगण में। और खास बात यह है कि इस मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और यहाँ पे जो बिहार का स्वादिष्ट व्यंजन है लिट्टी चोखा, उसका भी उन्होंने स्वाद चखा था। बुधवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे तो सामने देख सकते हैं स्टॉल ये है लिट्टी चोखा का, यहीं पर आकर उन्होंने लिट्टी चोखा जो बिहार का फेमस व्यंजन है उसका लुत्फ उठाया था। और कुछ लोग हैं देख सकते हैं लिट्टी चोखा खा रहे हैं, तो क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित? बिल्कुल जी, पूरी तरह से हम प्रेरित हैं। हम लिट्टी चोखा फर्स्ट टाइम उन्हीं की वजह से खा रहे हैं, आज से पहले हमने कभी नहीं खाए थे। रविशंकर प्रसाद देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री है कानून, वो भी लिट्टी चोखा के स्टॉल पे जा रहे हैं, जिस लिट्टी चोखा के स्टॉल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए थे। और खुद रविशंकर प्रसाद देख सकते हैं कानून मंत्री है, वो खुद यहाँ पे आए हुए हैं और इसी स्टॉल पे आए हैं जहाँ पे लिट्टी चोखा का आयोजन किया गया है, लिट्टी चोखा का व्यंजन का स्टॉल लगा है। और यही वजह है कि यहाँ पे देख सकते हैं तमाम जो लोग भी हैं, लगातार जो लोग हैं वो उनका जमावड़ा है यहाँ पे। और रविशंकर प्रसाद खुद यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पे लिट्टी चोखा है उसका लुत्फ ले रहे, उठा रहे हैं, देख सकते हैं आप, क्या देख सकते हैं यहाँ पे तमाम भीड़ है, काफी भीड़ है। और यही वजह है कि यहाँ पे लिट्टी चोखा है, देख सकते हैं लिट्टी चोखा का व्यंजन यहाँ पे है और खुद जो रविशंकर प्रसाद है वो भी लिट्टी चोखा खा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग आए यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं? हाँ, घूमने के लिए आए हैं। क्या लग रहा है इस मेले में? मतलब इसको हाइप जो मिला ना, जब प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए उसके बाद पूरा देश बात कर रहा है इसके बारे में, और दिल्ली तो कर ही रही है, दिल्ली कर रही है आज। दिल्ली ने जो भी लोग मॉल्स में भीड़ नहीं है आज, आज यहाँ भीड़ है लिट्टी चोखा के लिए, लिट्टी चोखा के लिए ऑब्वियसली। हाँ जी, हाँ रंजन राज नहीं लेने गए, लाइन लग रही है बहुत ज्यादा, लाइन लग रही है। हाँ ज्यादा बिक्री होने लगी है। हाँ बिक्री होने लगी है। कुछ और लोग हैं, आप लोग भी लिट्टी चोखा खाने के लिए आए यहाँ पे? हम लोग खाने आए थे मगर खा नहीं पाए क्योंकि इतनी लंबी लाइन है ना, उसके लिए हमने और चीजें बहुत खा ली है, उसका वेट कर रहे हैं, जब लाइन थोड़ी कम होगी तो ठीक है। लाइन क्यों, पहले तो इस व्यंजन को लोग ज्यादा जानते नहीं थे। मोदी जी आए हैं तो उन्होंने खाया है तो सब सोच रहे होंगे कि कुछ खास बात होगी। गुड़गांव से आए हैं। हरियाणा की फैमिली है, आप भी गुड़गांव से? हाँ जी, साथ में ही है। लिट्टी चोखा खाने आए आप लोग? अभी मैं तो नहीं खाती बट मम्मी खाने आए। अभी लाइन की वजह से नहीं, और अब तो रविशंकर जी आए हैं तो अब तो ऑलरेडी इतनी भीड़ हो चुकी है तो अब उनके जाने के बाद वेट कर। क्या बढ़िया लग रहा है? सभी कुछ बहुत अच्छा है, उसके अलावा जितने भी व्यंजन है सभी बहुत अच्छे हैं, प्याज कचौरी हो गई, आलू। आप सब खाने के लिए इस मेले में आए? स्पेशली तो खाने के लिए आए हैं क्योंकि बाकी चीजें सब जगह मिल जाती है, खाना जो है ना स्पेशलिटी में सही में बहुत अच्छी है। क्राफ्ट का क्राफ्ट भी बहुत अच्छा है, जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स रखी हैं वो सही में देखने लायक है। हुनर हाट मेले में एक ऐसा मंच है जहाँ पे लगातार जो कलाकार है, जो कला प्रेमी है वो यहाँ पे इस मेले में आते हैं, इस मेले का जो आयोजन किया जाता है। तो मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है कि हम ऐसे हुनर को ढूंढ रहे हैं जो हुनर छुपा हुआ है कहीं गांव देहातों में, उसको हमारा काम है, हमारा मकसद है कि एक मंच पे लेकर आए और यहाँ पे इस मंच के जरिए उन लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। तो आप भी आइए इस मेले में और मेले का लुत्फ उठाइए। कैमरा पर्सन विनय बाहुगुना के साथ मुकेश मंडल,